नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल भी मौजूद थे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या 50 से अधिक हो जाएगी। पूरे देश में 45 मार्गों को कवर करेगी। इसका पहला उद्देश्य पूरे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाना और रेल परिवहन को सुव्यवस्थित करना है। पीएम मोदी ने जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है उनमें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूर डॉक्टर एमजी राव सेंट्रल, पटना लखनऊ जलपाईगुड़ी पटना, पूरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कालाबुरागी, एस सिद्धरमैया टर्मिनल बेंगलुरु और रांची वाराणसी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। आज मैं देश को गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में भारतीय रेलवे का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो इन करीब 75 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपये की ज़्यादा से परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। अकेले पिछले 10 से 12 दिनों में ही 7 लाख करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। आज भी विकसित भारत की दिशा में एक देश ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में यहाँ आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है। इनमें से 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे प्रोजेक्ट्स आज देश को मिले हैं। अगली खबर, उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धसाव से प्रभावित लोगों ने उत्तराखंड सरकार के पुनर्निवास नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 15 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आम चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी भी दी है। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने हल, दराती और कुदाल लेकर जोशीमठ में रैली निकाली और उपमंडल कार्यालय में सार्वजनिक बैठक भी की है। उन्होंने उप विभागीय मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में जोशीमठ में भूमि दशाओं की समस्या के लिए उपचारात्मक उपाय करने, पुनर्वास नीति में संशोधन और प्रभावित लोगों के लिए विस्थापन भत्ता सहित 15 मांगों की एक सूची शामिल की है। संगठन के अध्यक्ष भुवन उनियाल ने कहा कि भूमि धसने से खेती, पशुपालन, बागवानी और आजीविका के अन्य पारंपरिक साधन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार अपनी पुनर्वास नीति को संशोधित करे और प्रभावित लोगों को शहर के भीतर ही सुरक्षित क्षेत्रों में भेजे। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर हमारी मांगे पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जोशीमठ में पिछले साल की शुरुआत में लगभग 1,000 लोगों को अपना घर छोड़ करना पड़ा था जब भूमि धसने के कारण घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। पार्टी अब दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए तैयारी कर रही है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। लिस्ट में पार्टी ने कई दिग्गजों के नाम शामिल नहीं किया था। वहीं कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैची भी चलाई गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम शामिल नहीं था। इसी बीच ब्रजभूषण को सपा से टिकट मिलने की चर्चाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ब्रजभूषण सरन के समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। इससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी सांसद उनके संपर्क में नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम उन्हें टिकट जरूर देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम पत्रकार महोदय की बात मान लेंगे। बीजेपी ने पहले लिस्ट में ही भले ही ब्रजभूषण सिंह का नाम नहीं है, लेकिन पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी को अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। सूत्रों की माने तो उनका टिकट बीजेपी से कट सकता है। हालांकि पार्टी ब्रजभूषण सिंह की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी देवी और बेटे प्रतीक भूषण सिंह के मैदान में उतार सकती है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ एक आंदोलन भी चलाया गया था। अगली खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूटने की खबरों के बीच चंडीगढ़ में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में जय भाटिया या नायब सैनी में से एक को मुख्यमंत्री और एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संजय भाटी करनाल से सांसद हैं, उनकी जगह करनाल से मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव में लड़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को संगठन या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नए मुख्यमंत्री की रेस में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के नाम की चर्चा है। सैनी के
को बीते दिनों ही हरियाणा में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वे कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। 2002 में वे युवा मोर्चा बीजेपी आंवला से जिला महामंत्री भी बने थे। इसके बाद साल 2005 में युवा मोर्चा भाजपा आंवला के जिला अध्यक्ष पर बने। इसके अलावा वे कई पदों पर रहे हैं। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने। 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। गौरतलब है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एवं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों की मांग की थी। जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले जीत हासिल हुई थी। इसके बावजूद भाजपा हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 1 लोकसभा सीट देने को तैयार हो गई थी, लेकिन चौटाला अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अगली खबर, मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता अधिनियम को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए रास्ता मिल गया है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सीएए को लागू करने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। उन्होंने आगे भी लिखा कि सीए के नियमों की अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के बारे में 9 एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और शक्ति के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। अगली खबर, नागरिकता अधिनियम 2001 लागू होने के लिए अगले दिन ही इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। IUML की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई याचिका में सीएए को असंवैधानिक करार दिया गया है। मुस्लिम संगठन की तरफ से इस दौरान सीएए को स्पष्ट स्टे लगाने की मांग भी की गई है। विवादों में रहे सीएए के लिए लागू किए जाने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी। सीएए के नियम जारी होने के साथ ही मोदी सरकार ने इन 3 देशों को प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इसके ऐलान को लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं। आखिरी खबर, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद खत्म होता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब मेघालय की तुरा लोकसभा सीट के साथ साथ असम की सीटों के लिए भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। जल्द ही टिकट का ऐलान करने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही राज्यों में पार्टी कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ेगी, यानी उसने कांग्रेस से गठबंधन न करने का प्लान बनाया है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को टीएमसी तुरा लोकसभा सीट से मैदान उतार सकती है। यहाँ से कांग्रेस पहले ही सोलोंग ए संगमा को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने संकेत दिया था कि वे पश्चिम बंगाल में गठबंधन के लिए तृणमूल के लिए तुरा सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच पश्चिम बंगाल में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मुकुल संगमा, जो कि इस समय कांग्रेस में थे, ने तुरा सीट पर 41.24% वोट हासिल किए थे, लेकिन एनपीपी को अगाथा संगमा से वे हार गए थे। उन्होंने लगभग 64,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करी थी। मुकुल संगमा बाद में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए थे। टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि वे मेघालय में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। वे अपनी संभावनाओं को लेकर यथार्थवादी और जल्द ही सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने शिलोंग से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। अभी यहाँ से कांग्रेस के विसेंट एच पाला मौजूदा सांसद मैदान में है। सूत्र की माने तो टीएमसी असम में भी 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अंतिम फैसला राज्य इकाई की जल्द लेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की ओर से सभी 42 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ कांग्रेस अब वाम मोर्चा के साथ सीट शेयरिंग के समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।